हेलो दोस्त, रेलवे लाइफ चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी एग्ज़ाम डेट बढ़ जाएगा, रिवाइज होगा क्या? ऐसा लोगों का कहना है क्योंकि नया नोटिस आरआरबी चेंज करने का जारी हो गया है। ये ऑफिशियल नहीं ईमेल पे आया हुआ है और ईमेल ऑफिशियल ही होता है, आरआरबी का ऑफिशियल की तरफ से भेजा गया है जिसमें बताया गया है। सारा चीज़ लिख लीजिएगा, डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन फॉर 1/24 यानी एलपी एग्ज़ाम, एप्लीकेशन नंबर अर्लियर रिजेक्टेड ड्यू टू कुछ एरर के कारण से, इन वेवर एरर कहा है जिस कह सकते हैं, इन एडवर्टेंट एरर यानी कोई भी गलती हो सकती है किसी तरह का, प्रोविजनली नॉट एक्सेप्टेड था लेकिन अब एक्सेप्टेड हो गया है, तो आप आरआरबी चूज और पोस्ट प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। कब से लेके 4 से लेके 5/11 तक का लॉगिन करके आप डिटेल में देख के, आपके पास भी मैसेज आया है तो सबसे पहले बधाई उन लोगों को कि जिनका एप्लीकेशन सबमिट हो गया या सबमिट होने के बाद फिर से एक जीवन दान मिल गया, तो उनके लिए बधाई। और उसके साथ उन लोगों का जिनको लगता है कि एग्ज़ाम डेट फिर से रिवाइज होगा, उनके लिए अब थोड़ी सी एनालिसिस। देखिए डेट कितनी दी हुई है, 4 से लेके 5 तक, और आज 4 तारीख ही है, कल 5 तारीख होगा, तो कोई छूट न जाए। जो बंधु जीवन दान मिला है इसको यूज कर लीजिए और लोगों में फैला दीजिए, चैनल को देख लीजिए कि ये सारी इन्फॉर्मेशन रियल ही आती है, कोई गलत बकावे का नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, 2 दिन से कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐसे कितने कैंडिडेट होंगे। एक तो डेट आपका एग्ज़ाम का अभी 25 तारीख तक है, अभी 15 दिन बाद है, 15 से 20-25 दिन बाद है, अभी टाइम ठीक ठाक है, 20 दिन टाइम है, कोई इशू नहीं है एग्ज़ाम डेट बढ़ने का। दूसरा, ऐसे कैंडिडेट बहुत लिमिटेड या कम होंगे, ध्यान दीजिएगा लिमिटेड। अगर 1000 कैंडिडेट बढ़ भी जाएंगे, किसी आरआरबी में कम भी हो जाएंगे, किसी में ज़्यादा भी हो जाएगा, तो रेलवे को कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक दिन में 4 लाख एग्ज़ाम ले रहा है और 1000-2000 अगर ऐसे एप्लीकेशन आ भी गए जिनका पहले रिजेक्ट हो गया था फिर सही हो गया, और होना ही चाहिए, मैं तो करता हूँ, सबको एप्लीकेशन को अलाउ कर देना चाहिए, कोई बिना भेदभाव के अगर उनको अलाउ कर ही भी दिया तो आरआरबी के परीक्षा में डेट अब इस कारण से नहीं चेंज होगा कि 2 दिन के लिए वेबसाइट पे आरआरबी चेंज करना है। तो ये नया नोटिस इसलिए है कि जो कैंडिडेट रह गए उनको 5 साल में मौका मिला है, उसकी दर्द को समझिए, ये नहीं सोचिए कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो अब एग्ज़ाम का डेट शायद नहीं बढ़ेगा, अगर एलपी का बढ़ेगा तो आप ट्रेन जानते हैं ना किस पे चलती है, पहिया पे, और ये पहिया क्या होता है, सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है, ऊपर से डब्बे अलग अलग जुड़े हुए रहते हैं। अगर एलपी टेक्नीशियन में एलपी रुक गया तो टेक्नीशियन भी रुक जाएगी, टेक्नीशियन रुक गया तो जेई भी रुक जाएगा, और जेई रुक जाएगा तो आपका आगे वाला एग्ज़ाम आपका कह सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल वाला भी रुक जाएगा, ये पहले था, ये भी रुक जाएगा, और उसके बाद जो आने वाले भी एग्ज़ाम है उसकी भी प्लानिंग चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इंजन को बढ़ने दीजिए, इंजन रिवाइज डेट में नहीं जाएगा, टाइम से ही होगा एग्ज़ाम। थैंक यू, धन्यवाद।